हेलो स्टूडेंट्स, D2 इलेक्ट्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड रहेगा पावर कैलकुलेशंस, मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल में वोल्टेज, पावर, करंट और रेजिस्टेंस के रिलेटेड कैलकुलेशन होते हैं, तो वो सभी कैलकुलेशन हम इस क्लास में देखेंगे। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास टोटल 4 क्वांटिटी होती है, जैसा नंबर 1 है पावर, और पावर का यूनिट होता है वैट, जिसको कि हम कैपिटल वी से दिखाते हैं। उसी तरह से एक होता है वोल्टेज, और वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट। उसके बाद में एक है करंट, जिसका कि यूनिट होता है एम्पियर। और उसके बाद में एक होता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम्स, जिसको कि हम इस तरह से लिखेंगे OHM। अब ये जो पावर का यूनिट है वैट, इसको हम सिंबल के तौर पे कैपिटल वी दिखाते हैं। उसके बाद में जो वोल्टेज है, तो वोल्टेज को हम कैपिटल वी से दिखाते हैं, ये इसका सिंबल हो जाता है। उसी तरह से करंट, करंट का जो यूनिट है एम्पियर, तो एम्पियर को हम कैपिटल ए से दिखाते हैं। उसी तरह से जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस को हम इस तरह से सिंबल से दिखाते हैं। अब ये जो पावर, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस हो गया, तो इसके रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसी कैलकुलेशन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, वही आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। जैसे कि हमें पता है कि ओम्स के रिलेटेड एक ट्रायंगल आता है, जो कि ट्रायंगल हमें याद करके उसके रिलेटेड फार्मूले जो है हम याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम ट्रायंगल देख रहे हैं, जैसे V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट, और R मतलब रेजिस्टेंस। तो V जो है, ये V का फार्मूला अगर हमें लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, उसके नीचे जो दो क्वांटिटी दी है I और R, तो इसका मतलब हो जाएगा I मतलब करंट इनटू मतलब गुना हो जाएगा रेजिस्टेंस, मतलब I गुना R मतलब करंट गुना रेजिस्टेंस। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे V इक्वल टू I इनटू R। ये हो गया हमारा फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 2 जो करंट हम दिखाएंगे, तो इसको हम लिखेंगे I इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। इस तरह से लिखेंगे V डिवाइडेड बाय R। उसके बाद में जो फार्मूला बचता है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा फार्मूला नंबर 3। और इसका फार्मूला किस तरह से बनेगा, तो R इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये ट्रायंगल से हम ये 3 फार्मूले इजीली याद कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह से याद रखते हैं। जैसे V इक्वल टू I इंटू R, जैसे I इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R, और उसी तरह से R का फार्मूला अगर हमें लिखना है, तो R का फार्मूला हो जाएगा V डिवाइडेड बाय I। इस इमेज में नीचे दिए गए हैं, V अगर निकालना है तो V के लिए फार्मूला नीचे दिया गया है, V इक्वल टू I इंटू R। उसी तरह से I का फार्मूला दिया गया है, I इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। उसी तरह से R का फार्मूला दिया गया है, R इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। तो इसको हम एक बुक पे नोट करके अच्छे से लिख लेंगे, ताकि काम पड़े तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड अब हम पावर के भी फार्मूले देख लेते हैं। जैसे हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिकल से 12 फार्मूले आते हैं, तो वो 12 फार्मूले भी हमें याद करना है। तो अब हम देख लेते हैं पावर के फार्मूले। जैसे ये ओम्स के फार्मूले में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस निकालना था, अब पावर के फार्मूले में हमें निकालना है
पावर का फार्मूला, वोल्टेज का फार्मूला और करंट का फार्मूला, उसको हम किस तरह से याद रखेंगे। तो ये हो गया एक ओम्स का फार्मूला, ओम्स का ट्रायंगल वी आई आर, और उसी तरह से एक ट्रायंगल आता है वो है पावर का ट्रायंगल वी पावर का ट्रायंगल, जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम पी, उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे वी और यहाँ पे लिखेंगे आई। तो जैसे ओम्स के रिलेटेड अगर हम देखें तो ये ओम्स का फार्मूला है और ये हो जाएगा पावर का फार्मूला। जैसे ओम्स के रिलेटेड अभी हमने देखा था कि V इक्वल टू I इंटू आर हो जाएगा, I का फार्मूला हो जाएगा V डिवाइडेड बाय R, और रेजिस्टेंस का फार्मूला मतलब R हो जाएगा V डिवाइडेड बाय I। उसी तरह से ये जो पावर का फार्मूला है, ये पावर के फार्मूले को भी हम अच्छे से लिख लेंगे। जैसे P का फार्मूला हो जाएगा V इंटू I, मतलब वोल्टेज इंटू करंट। उसके बाद में वोल्टेज का अगर फार्मूला लिखना है ट्रायंगल के, ट्रायंगल का हेल्प लेके, तो V इक्वल टू हो जाएगा पावर डिवाइडेड बाय करंट। उसके बाद में करंट का अगर हमें फार्मूला लिखना है तो करंट के लिए फार्मूला हो जाएगा, इस ट्रायंगल से ही लिखेंगे तो I इक्वल टू P डिवाइडेड बाय V। अब ये जो ओम्स के फार्मूले है और ये पावर के फार्मूले है, ये टोटल छः फार्मूले हमारे हो गए। और हमें छः फार्मूले याद करना है क्योंकि टोटल 12 फार्मूले इलेक्ट्रिक कैलकुलेशन में महत्वपूर्ण है, और वो 12 कैलकुलेशन 12 फार्मूले भी हमें अच्छे से याद करना है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट फार्मूले को किस तरह से याद करेंगे। जैसे यहाँ पे पावर का ट्रायंगल भी दिखाया गया है इमेज में, तो ये इसको नोट डाउन करके रखिए, और पावर के फार्मूले भी हम नीचे दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है पी इक्वल टू आई इंटू वी, उसके बाद में आई का अगर फार्मूला निकालना है, आई का अगर फार्मूला निकालना है तो ये हो जाएगा पी डिवाइडेड बाय वी, और वी का अगर फार्मूला निकालना है तो ये हो जाएगा पी डिवाइडेड बाय आई। तो इस तरह से ये फार्मूले को याद करना है। जैसे पावर, पावर के टोटल तीन फार्मूले और हमें याद रखने हैं। जैसे पावर, पावर के तीन फार्मूले आते हैं, पावर को ही हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट वैट आता है। तो पावर के टोटल तीन फार्मूले हैं। जैसे नंबर एक, इसके पहले हमने पावर से, पावर ट्रायंगल से तीन फार्मूले याद किए थे, क्या थे वो पी, उसके बाद में यहाँ पर वी और आई। तो P अगर निकालना है तो V इंटू आई हो जाता था, I अगर निकालना है तो P डिवाइडेड बाय V हो जाता था, और V अगर निकालना है तो P डिवाइडेड बाय I हो जाता था। एक बार हम यहाँ पे और लिख लेते हैं, P अगर निकालना है तो V मतलब वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज की वैल्यू अगर निकालना है तो पावर डिवाइडेड बाय करंट, और करंट की वैल्यू अगर निकालना है मतलब I निकालना है तो पावर मतलब P डिवाइडेड बाय V। तो उसी तरह से तीन फार्मूले और हमें यहाँ पे याद कर लेने हैं और इसको नोट डाउन भी करके रखना है। जैसे P इक्वल टू, सबसे पहले पावर निकालना था तो इसके लिए हमने क्या लिखा था V इंटू आई, तो यहाँ पे लिख लेंगे V इंटू आई। उसके बाद में पावर, इसको हम इस तरह से लिखेंगे आई स्क्वेयर इंटू आर। उसके बाद में और पी मतलब पावर, ये क्या आ जाएगा वी स्क्वायर मतलब वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये तीन फार्मूले हमारे लिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब हम पूरे एक बार और लिख लेंगे। जैसे हमारे पास ओम्स का ट्रायंगल था, एक पावर का ट्रायंगल था,
वी आई और आर, यहाँ पे क्या था पी वी और आई। तो इससे जैसे ओम्स के फार्मूले हम लिख लेंगे तो वी जैसे वी इक्वल टू आई इंटू आर, जैसे वी इक्वल टू आई इंटू आर। उसके बाद में करंट निकालना है, ये करंट की वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा V डिवाइडेड बाय R। उसके बाद में रेजिस्टेंस का फार्मूला अगर लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, R इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। ये ओम्स के लिए था। अब पावर का फार्मूला अगर हमें निकालना है, पावर का फार्मूला निकालना है तो किस तरह से लिखेंगे, P इक्वल टू क्या था, सबसे पहले V और I का गुना हो जाएगा, तो V इंटू आई इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद में करंट की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डिवाइडेड बाय वी इस तरह से हो जाएगा, पी डिवाइडेड बाय वी। अब हमें वोल्टेज की वैल्यू निकालना है तो वोल्टेज की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, पी डिवाइडेड बाय आई, वी इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय आई। ये छह फार्मूले हमें याद हो गए थे। उसके बाद में हमने क्या लिखा था, पावर के टोटल फार्मूले। तो पावर के फार्मूले के लिए क्या था, P इक्वल टू वी आई जो कि इसी फार्मूले से हमें मिल गया था। उसके बाद में P इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, ठीक है। उसके बाद में पावर इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। तो अब हमें ये फार्मूले याद हो गए, एक ओम्स के फार्मूले, पावर ट्रायंगल के फार्मूले और ये पावर के फार्मूले, ऐसे टोटल हमें आठ फार्मूले याद हो गए। अब और हमें चार फार्मूले याद करना है तो वो इसी फार्मूले से अपने आप तैयार हो जाते हैं। तो वो किस तरह से तैयार हो जाते हैं, तो अब ये टोटल 12 फार्मूले का हम एक ब्लॉक लिख लेंगे और उसी से ही याद करेंगे। तो सबसे पहले हम पावर के लिए लिख लेते हैं, पावर के लिए क्या फार्मूला आया था, पावर के लिए क्या फार्मूला आया था, पी इक्वल टू वी इंटू आई, ठीक है। उसके बाद में और पावर के लिए क्या फार्मूला आया था, आई स्क्वेयर आर। और पावर के लिए क्या फार्मूला आया था, वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। ये वी स्क्वेयर है, इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। ये टोटल पावर के फार्मूले हो गए थे। इस तरह से हम यहाँ पे इसका ब्लॉक बना लेंगे। उसके बाद में करंट के लिए फार्मूला, करंट के लिए फार्मूला किस तरह से हो जाएगा, आई आई का फार्मूला यहाँ पे है तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे, वी डिवाइडेड बाय आर। उसके बाद में और आई का फार्मूला निकालना है तो आई का फार्मूला यहाँ पे था तो क्या हो जाएगा, पी डिवाइडेड बाय वी। उसके बाद में और आई का फार्मूला हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, आई के फार्मूले के लिए यहाँ पे आई है तो यहाँ पे आई है तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, जैसे जैसे यहाँ पे आई था तो P इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। अब ये I की वैल्यू निकालना है तो ये जो R है इनटू में है I के, तो ये डिवाइड में चले जाएगा P के साथ। तो इसके साथ ये फार्मूला कैसे हो जाएगा,
आई स्क्वेयर इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि ये जो आर है ये आर चला जाएगा पी के डिवाइड में। अब ये स्क्वेयर है तो स्क्वेयर को अगर हटाना है तो ये किस तरह से हो जाएगा, आई इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय आर, और ये स्क्वेयर हट के इसके इक्वल टू के इधर चला जाएगा तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट पी डिवाइडेड बाय आर। तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, अंडर रूट पी डिवाइडेड बाय आर। ये करंट के लिए फार्मूले हो गए, बुक पे अच्छे से लिख लीजिए। उसके बाद में हम लिख लेंगे रेजिस्टेंस के लिए फार्मूले। रेजिस्टेंस के लिए फार्मूले इसको शॉर्ट में ही लिखते हैं, इस तरह से आप डिटेल लिख लीजिए रेजिस्टेंस के लिए। तो रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे फार्मूला है तो ये क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आई, वी डिवाइडेड बाय आई। उसके बाद में और रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे कहीं दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा है, तो पावर के फार्मूले में हम देख लेंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये वाली, तो इसको अगर हमें लिखना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये जो आय है ये आय इक्वल टू की इधर अगर आ जाता है तो पी के डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, फिर पी डिवाइडेड बाय आई स्क्वेयर, क्योंकि ये फार्मूला किस तरह से तैयार हो गया, तो इस फार्मूले से, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन थी, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर निकालना है तो ये रेजिस्टेंस के साथ इनटू में आई स्क्वेयर है तो ये आई स्क्वेयर इक्वल टू के इधर चला जाएगा तो पी के डिवाइड में आ जाएगा। तो इसके लिए ये फार्मूला तैयार हो गया। और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है हमें, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अब यहाँ पे आई है, यहाँ पे आर है तो आर की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पी, वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पी। रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूले निकालना है, वो हो जाता है वोल्टेज। तो वोल्टेज के लिए फार्मूला हो जाएगा V, यहाँ पे वोल्टेज के लिए फार्मूला है तो वो हो जाएगा I इंटू आर, सबसे पहला फार्मूला हो गया। उसके बाद में यहाँ पे वोल्टेज है तो V इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, P डिवाइडेड बाय I, और वोल्टेज यहाँ पे अभी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू है तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू है, तो यहाँ का फार्मूला क्या था, P इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय R। अलग कलर से लिख रहे तो आप इसको समझ लीजिए, हमें इससे वोल्टेज की वैल्यू निकालना है, तो वोल्टेज के डिवाइड में R है, रेजिस्टेंस है, और डिवाइड में ये रेजिस्टेंस है आर, ये अगर इक्वल टू की इधर चला जाता है तो ये पावर के साथ गुना में चला जाएगा, पावर के साथ इनटू में चला जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा फिर फार्मूला, पी इनटू आर इक्वल टू वी स्क्वेयर। अब हमें वी स्क्वेयर जो है ये स्क्वेयर इसका निकालना है, स्क्वेयर अगर इक्वल टू के इधर चला जाता है तो ये इसके अंडर रूट में हो जाएगा। तो इसका इससे फार्मूला किस तरह से हो जाएगा, ये V इक्वल टू अंडर रूट P इंटू आर, तो यहाँ से ये फार्मूला हमारे पास बन गया। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो क्या आ गया, ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है यहाँ पे लिखने वाले थे हम, यहाँ पे लिख लेते हैं V
इक्वल टू अंडर रूट पी इंटू आर, ये हमारा 12वें नंबर का फार्मूला हो गया। तो इसी तरह से पावर के 3 फार्मूले हो गए, करंट के 3 फार्मूले हो गए, रेजिस्टेंस के 3 फार्मूले हो गए और वोल्टेज के 3 फार्मूले हो गए, ये टोटल 12 फार्मूले हो गए। ये 12 फार्मूले अगर हमें याद हो जाते हैं तो इसके रिलेटेड किसी भी तरह का कैलकुलेशन वाला पोर्शन अगर हमें सॉल्व करने के लिए आ गया तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए ये टोटल 12 फार्मूले हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसी के रिलेटेड एक ब्लॉक जो हमने बनाया है वो हम ब्लॉक देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए कि यहाँ पे जो वोल्टेज का फार्मूला था, यहाँ पे लिखना था, वो फार्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी। वो ये ब्लॉक है जैसे ओम्स के फार्मूले और पावर के फार्मूले यहाँ पे एक साथ दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे नॉन वैल्यू मतलब हमारे पास 2 वैल्यू पता है तो उससे हमें 2 वैल्यू कैलकुलेट करना है। जैसे हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, जैसे कोई एक करंट है 5 एम्पेयर का और रेजिस्टेंस है 20 ओम का, वो दोनों वैल्यू पता है हमें और वोल्टेज और पावर पता करना है। तो वोल्टेज के लिए ये फार्मूला आ जाएगा और पावर के लिए ये फार्मूला आ जाएगा। जैसे इसके पहले हमने ब्लॉक देखा था तो उसी से रिलेटेड ये हो जाएगा। उसके बाद में हमें वोल्टेज और करंट की वैल्यू पता है तो रेजिस्टेंस के लिए ये फार्मूला हो जाएगा और पावर के लिए P इक्वल टू वी इंटू आई, ये फार्मूला हो जाएगा। उसी तरह से हमें पावर और करंट की वैल्यू पता है तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज निकालना है तो रेजिस्टेंस का फार्मूला आ जाएगा P इक्वल टू वी इंटू आई स्क्वेयर और वोल्टेज का फार्मूला आ जाएगा पी डिवाइडेड बाय आई। उसी तरह से वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दी है तो करंट की वैल्यू निकालना है तो I इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस और पावर इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय R। उसी तरह से पावर और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है तो उसके लिए ये फार्मूला हो जाएगा I इक्वल टू अंडर रूट पी डिवाइडेड बाय R और वोल्टेज के लिए फार्मूला हो जाएगा V इक्वल टू अंडर रूट पी इंटू R। लास्ट क्वांटिटी है जैसे वोल्टेज और पावर हमें गिवन है तो रेजिस्टेंस और करंट निकालना है तो रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर और करंट के लिए फार्मूला हो जाएगा आई इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय वी। तो हमने जैसे कुछ प्रॉब्लम पंद्रह प्रॉब्लम लिए थे तो वो 15 प्रॉब्लम इसी कैलकुलेशन के बेस डिपेंड है। तो ये पूरे कैलकुलेशन हम इस फार्मूले से इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड से है और इलेक्ट्रिक के रिलेटेड प्रॉब्लम या कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। तो ये पूरे फार्मूले हमें याद कर लेना है ताकि इसी तरह से जो भी क्वेश्चन है वो हम इजीली सॉल्व कर सके। इसको हम एक बुक में नोट डाउन करके रखेंगे ताकि जब भी कैलकुलेशन करना है तो इसको देख के हम कैलकुलेशन करें और बार बार देखें इस ब्लॉक को तो हमें याद भी हो जाएगा। उसी तरह से ये और एक ब्लॉक है, जैसे यहाँ पे करंट की वैल्यू अगर निकालना है तो करंट के लिए ये 3 फार्मूले हो जाएंगे। जैसे वोल्टेज की वैल्यू निकालना है तो वोल्टेज के लिए ये 3 फार्मूले हो जाएंगे। उसी तरह से रेजिस्टेंस के फार्मूले, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने हैं तो रेजिस्टेंस के लिए ये 3 फार्मूले हो जाएंगे और पावर के कैलकुलेशन करना है तो पावर के लिए ये 3 कैलकुलेशन हो जाएंगे। जैसे ये वोल्टेज के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, पावर के लिए और करंट के लिए,
यही फार्मूले हमने टेबल फॉर्म में देखा था, यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में दिखाया गया है, लेकिन फार्मूले जो हमने पहले देखे थे वही यहाँ पे गिवन है। तो ये सभी टोटल जो 12 फार्मूले थे, ये टोटल 12 फार्मूले अब हमें याद हो गए। तो इसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम कैलकुलेशन लेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया गया है, प्रॉब्लम नंबर 1, ऐसे टोटल 15 एग्जाम्पल है, उसको हमें सॉल्व करना है। तो जैसे प्रॉब्लम नंबर 1 यहाँ पे दिया है, समझा एक घरगुती फ्रीज 200 होल्टवर काम करत आहे व त्या फ्रीजचा पावर 600 वॅट आहे। 200 होल्टवर काम करत आहे व त्या फ्रीजचा पावर 600 वॅट आहे, तर फ्रीज एकूण किती करंट घेईल व तसेच एकूण रेजिस्टन्स किती राहील। इसका मतलब जो यहाँ पे एक घरगुती फ्रीज है उसका जो टोटल वोल्टेज है वो 240 है। वी इक्वल टू, सबसे पहले हम डाटा लिख लेंगे, सिस्टमेटिक यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम गिवन डाटा यहाँ पे लिख लेंगे, गिवन डाटा। तो हमारे पास डाटा में क्या गिवन है, वोल्टेज मतलब वी, वी इक्वल टू कितना है 240 वोल्ट, और पावर दिया गया है फ्रिज का वो है 600 वैट। तो अब हमें करंट की वैल्यू निकालना है, करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो कैलकुलेशन हमें करना है।